नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर हम यहाँ खैला गांव में मौजूद हैं। यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था, हम यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ लोग बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे 2022 चुनाव को लेकर के। 2022 चुनाव बागपत में ख़ास तौर से हम बात करेंगे, अभी बागपत में है। बागपत में कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए और कौन विधायक बनना चाहिए, आइए बात करते हैं यहाँ से लोगों से। क्या मानना है, क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए? बसपा का ही बनना चाहिए जी। अच्छा, माया सही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। आप बुज़ुर्ग हैं, एजिड आदमी हैं, आपका जो बात है वो बहुत लोग लाखों लोगों तक जाएगी। और कल आपके समाज की एक महापंचायत हुई थी गढ़ी कलंजरी में, वहाँ गणमान्य लोग मौजूद थे आपकी बिरादरी के। उन्होंने एक ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अरुण कसाना को यहाँ से जिता के भेजना है और हमारी टक्कर सीधी RLD के कैंडिडेट से है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से हमारी कोई टक्कर नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें यही कह रहे हैं, हम तो बहन जी के साथ हैं सब, ये जो जितने भी हैं। बहन जी ने यहाँ क्या क्या काम करा है बागपत? बहुत करे बागपत में, कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो सारे ही काम करे उसने। आप गांव के इसी खैला गांव के हैं, आपका क्या मानना ताऊ जी, कौन सी पार्टी का विधायक भाई? ये बहुजन नहीं आनी चाहिए, समाज बढ़िया 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 पार्टी है। तो अरे गढ़ी कलंजरी जिला बना दिया और इससे बढ़िया क्या होगा? गढ़ी कलंजरी गांव में जो कल महासभा हुई थी गुर्जर महासभा, उसमें एक निर्देश हुआ था गुर्जर समाज में कि अब की बार अरुण कसाना को यहाँ से जिता के भेजना है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जिताऊंगे जी, हमारा फर्ज वोट देने का, वोट देंगे, वोट देंगे भाई, वोट देंगे जी, खूब अड़के। हाँ बस, तो आपको लग रहा है कि यहाँ अरुण कसाना विकास कर पाएंगे? बिल्कुल करेगा जी। ताऊ जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम महाराज सिंह है, महाराज सिंह गुर्जर, महाराज सिंह गुर्जर नाम, गुर्जर है। आप इसी गांव के खैला गांव के? खैला का। क्या लग रहा है आपके बार कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए यहाँ? यहाँ से BJP का बनना चाहिए, विकास हुआ, BJP ने काम करा। पाँच साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं बागपत विधानसभा से, काम किया तो कितने विकास कराए उन्होंने? बहुत ज़्यादा विकास करा, जैसे कि ऐसे पांच काम गिनवाइए जो बड़े स्तर पे बागपत विधानसभा में हुए। विधानसभा में जैसे कि सड़क है हमारी, सड़कों का है, डोला में करा, स्कूल का करा, अस्पताल का करा है। अच्छा, और सड़कों का तो जाल भी था, बहुत अच्छे काम हुए, सड़कें का काम कराया, विकास कराया क्षेत्र में, सड़कों का हुआ है। अगर जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरठ में और सहारनपुर में ऐलान किया था 14 दिन में गन्ने का पैसा मिल जाएगा, इस पर आप क्या? ऐसा है, मेरी बात सुनो, गन्ने का मिलो मत मिलो, हम इस सरकार से खुश हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं, आपका मानना ही है, आपका क्या मानना साहब? हम खुश, BJP सत्ता में दोबारा आएगी और BJP ने जो विकास यहाँ पे किए हैं, विकास जो कार्य किए अब तक किसी पार्टी ने नहीं किए, और वर्तमान में जो बहुत अच्छी जो बनी हुई है लहर। आप किसान हैं? आप किसान हैं? किसान ही है हम, भी बिल जो आ रहा है BJP, हमें बिजली के बिल से कोई दिक्कत नहीं, जितना हम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हम दे रहे हैं। इस पर देखो, आज की शिक्षा अच्छी है, बिजली अच्छी है, पानी है, गुंडा माफिया राज नहीं है कुछ भी, बहुत अच्छे विकास कार्य चल रहे हैं अपने जनपद में। बड़ी बात कही है इन्होंने कि गुंडा राज खत्म हो गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, आपका क्या मानना साहब? BJP की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। आप कौन से समाज से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मोहित गुर्जर नाम है और गांव खैला सऊ में। तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सूबे में जो सरकार है अभी, ये रिपीट होगी? बिल्कुल होगी, रिपीट होगी, दोबारा से आएगी, बहुमत के साथ आएगी। अगर आप युवा बात कर रहे हैं हम रोजगार की, कितने लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला यहाँ आपके गांव में? 4.5 लाख योगी आपके गांव में बात करेंगे, ये खैला गांव में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? क्यों नहीं मिला, मेरे भैया को, छोटे को खूब रोजगार मिला, मैं रोजगार मिला। क्या मिला? मैं सर्विस कर रहा हूँ नोएडा के अंदर। तो इनको युवा, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें रोजगार मिला है, इनका यही कहना है, युवा है, बहुत अच्छी बात है, रोजगार आगे भी मिलना चाहिए। और आपका क्या कहना है? BJP की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी, उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बनेगी, आपका मानना है? फुल मोहम्मद के साथ। बात अगर जो करें पूरी उत्तर प्रदेश की, 11 MLA 3 मंत्री त्रुट करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, इस पर आप क्या कहेंगे?
उनकी अपेक्षाएं थी, जब किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो पार्टी छोड़ के चला जाता है, कोई अपने लड़के को टिकट दिलाना चाह रहा है, एक एक नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने लड़के को टिकट दिलाना चाहते थे इसलिए भाग गए, उन्हें ये डर था कि तुम्हारा टिकट न कट जाए, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ लालच था इसलिए चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, अभी उनके लड़के को टिकट नहीं मिला है समाजवादी पार्टी, एमएलसी की सेटिंग हो रही है, वो तो पहले ही कह दिया कि एमएलसी दे देंगे आपको। कल खोल दी, आपका मानना है कि रिपीट होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में? और कुछ युवाओं से बात करेंगे, क्या मानना है इनका, क्या मानना साहब आपका? साहब बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ जी। विपक्ष बात करें बागपत विधानसभा की, तो क्या स्थिति या कौन सी पार्टी का विधायक योगेश धामा जीतेगा? साहब योगेश धामा जी यहाँ बात करेंगे, क्या इनका कहना है? एक और युवा हमारे साथ है, क्या मानना आपका? जो हिंदू हित की बात करेगा, राष्ट्र हित के लिए काम करेगा, हम युवा है और इस प्रदेश को 325 विधानसभा टिकट लखनऊ पहुंचाएंगे। और सीट देकर बोलने के लिए और बात पूरी, आपका क्या मानना था? युवा है, बीजेपी सीट, बीजेपी की सरकार आएगी, निश्चित आएगी। तो आप इसमें कोई समाज से हैं, आप सब लोग समाज पूरा ये युवा जितना खड़ा है समाज से है, पूरा बीजेपी के साथ है गुज्जर समाज। तो आपके समाज आप की ये बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुनू करूंगा आपसे जी। आपके समाज की जो महापंचायत हुई है कल, उसको आप कितना मानते हैं? ठेका कुछ नेताओं ने नहीं ले रखा, वे तो समाज का ठेकेदार नहीं है वो, जिन्होंने पंचायत करी है। समाज इन लोगों से चलता है, ना कि कुछ लोगों से। सर बात ऐसी है, देखो जी, हाथ तो फसका गारे में और हाथी मरगा जाड़े में और नलर साइकिल बिकी कबाड़े में, फूल खिलेगा सारे में। फूल खड़ा है अखाड़े में। यहाँ लोगों का यही कहना, मैक्सिमम युवाओं का, गांव के लोगों से हमने बात करी, युवाओं से बात करी, इनका यही मानना है कि यहाँ बता दो, सपा सरकार में दिन में मोटरसाइकिल छिन जावे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना तय है, इनका यही मानना है। और दूसरे गाँव में फिर जाएंगे और बात करेंगे लोगों से, क्या उनका मानना है, कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं और कौन सी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चाहते हैं।